ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लैके कांग्रेस दा बीजेपी ते वड्डा हमला। चन्नी बोले बीजेपी दे दबाव कारण तत्काली इंदिरा सरकार ने भेजी सी फौज। 84 च जो होया उस दे लई बीजेपी भी जिम्मेवार। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों का वड्डा ऑपरेशन। बारामूला एनकाउंटर च 3 अतवादी ढेर, तां किश्तवाड़ च अतवादियों नाल मुठभेड़ च 2 जवान शहीद। पंजाबी गायक फतेहजीत सिंह गिरफ्तार। तलवंडी साबो दे शख्स नूं डंकी रूट राही विदेश भेजन दा इल्जाम। ब्राजील दे फेक वीजे ते 5 वार अमेरिका भेजन दी कीती कोशिश। तिहाड़ जेल तो बाहर आउण तो बाद हनुमान दे दर ते नतमस्तक होणगे केजरीवाल। दुपहरे 12 बजे परिवार दे नाल जाणगे हनुमान मंदिर। 170 दिनां बाद जेल तो रिहा होए ने केजरीवाल। हड़ताली डॉक्टरों नाल गलबात दा दौर तेज। अज एसोसिएशन दी सेहत मंत्री नाल अहम मीटिंग। डॉक्टर्स ने अज पूरे दिन दी थां 3 घंटे लई ही बंद रखी है ओपीडी। हिंदू संगठन वल्लों अज हिमाचल बंद दी कॉल। शिमला दे संजौली च प्रदर्शनकारियों ते होए लाठीचार्ज खिलाफ होवेगा बंद। अलर्ट ते पुलिस प्रशासन। चोण दंगल च उतरनगे पीएम मोदी। पहला जम्मू कश्मीर दे डोडा ते फिर हरियाणा दे कुरुक्षेत्र च भरनगे हुंकार। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब। देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते गल करांगे साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दी, जिन्ह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लेके एक वड्डा दावा किया है। कांग्रेस ने एक वड्डा दावा किया है ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लेके। चन्नी ने कहा है कि बीजेपी के दबाव ही ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। बीजेपी ने दरबार साहब च फौज भेजने लई दबाव पाया सी, प्रेशराइज किया गया सी। अडवाणी जी ने अपनी किताब च भी इस चीज का जिक्र किया है। साबका सीएम चन्नी दे वल्लों स्टेटमेंट दी गई, बयान दिता गया। बीजेपी भी अपनी गलती लई मुआफी मंगे। कांग्रेस पहला ही इस दे लई जो मुआफी है ऑलरेडी मंग चुकी है। दरअसल राहुल गांधी दे यूएसए च सिखां दे दित्ते बयान का मामला लगातार गंदा नजर आ रहा है, जिसनों लैके बीजेपी भी हमलावर है। कांग्रेस दे वल्लों भी पलटवार करदिआं एमपी चन्नी ने ते लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब वड्डा दावा जो है वो कीता गया। एमपी चन्नी दे वल्लों एक वड्डा बयान, एक वड्डी स्टेटमेंट दिती गई है। कल ही दोपहरे आ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती गई सी। एलओपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा उत्थे नाल मौजूद सी, ते जो एमपी ने जलंधर तो चरणजीत चन्नी वो भी उन्होंने नाल ही मौजूद से। दरअसल कुछ दिन पहला सिखां नूं लैके जो टैक्सस डैलस च राहुल गांधी दे वल्लों एक वड्डा बयान स्टेटमेंट दिती गई सी। राहुल गांधी दे वल्लों कहा गया सी सिखां नूं लैके एक टिप्पणी कीती गई सी। लीडर हैं उन जो दंगे हुए और जो अटैक हुआ, हम उसके लिए एक बार नहीं कांग्रेस बहुत बार माफ़ी मांग चुकी है कि वो कांग्रेस के टाइम में हुए। जो हरमंदर साहब पे अटैक हुआ वो गलत था, कांग्रेस मान चुकी है और माफ़ी भी मांग चुकी है। और जिसको सजा देनी है, अब 10 साल से बीजेपी है, बीजेपी उन लोगों को क्यों नहीं सजा देती और उनकी बात उछालती है लेकिन उन लोगों को सजा नहीं देती जो उसके लिए जिम्मेवार हैं, जो यहाँ दंगे हुए। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम खुद कह रहे हैं, मैं AICC के ऑफिस में बैठकर कह रहा हूँ कि 84 में जो अटैक हुआ हरमंदर साहब पे वो गलत था, तो बीजेपी क्यों नहीं मानती कि जो 84 में अटैक हुआ उसको कराने के पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और बीजेपी ने प्रेशराइज किया कि हरमंदर साहब में फौज भेजी जाए। जो बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने एक जुलूस निकाला कि हरमंदर साहब में फौज भेजी जाए। कांग्रेस की सरकार ने सिखों के आगे गोडे टेक दिए हैं, ये क्यों नहीं वहाँ भेजते फौज को। और बीजेपी अडवाणी जी ने अपनी बुक माई कंट्री माई लाइफ में इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि उन्होंने एक आंदोलन चलाया। जहाँ बीजेपी ने और बहुत सारे आंदोलन चलाए, वहाँ एक आंदोलन ये भी था कि हरमंदर साहब में फौज को भेजकर
वहाँ जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको मारा जाए, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो यहाँ तक कि आरएसएस के एक नेता जिनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला, उन्होंने कहा कि जो ये दंगे यहाँ हुए वो परिणाम था आक्रोश का और गुस्से का, जिनको उन्होंने जायज ठहराया है। तो कांग्रेस ने माफ़ी मांग ली है, बीजेपी इन दंगों को कराने में, बीजेपी और आरएसएस हरमंदर साहब पे अटैक कराने में कब माफ़ी मांगेगी? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा रोल था उसकी आप कब माफ़ी मांगोगे? कांग्रेस ने माफ़ी मांगी है, आज भी मैं कहता हूँ कि गलती की गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के राज में दंगे हुए इसलिए माफ़ी उन्होंने मांगी है। लेकिन गुजरात के दंगों की कौन माफ़ी मांगेगा, ये भी आज एक सवाल है। मैं फिर भी गुजरात पे नहीं जाना चाहता, मैं पंजाब पे ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब की बात इन्होंने की है। इसलिए जो अटैक हुआ उसमें बीजेपी और आरएसएस का भी उतना ही हाथ था, इसलिए उनको भी। तेसर नाल बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। गरेवाल जी, तुसी स्टेटमेंट सुनी होनी है, कांग्रेस पार्टी दी साबका सीएम चन्नीरी, उन्होंने कहना सी कि जो 84 च दंगे हुए से, सिख दंगे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होया सी, ते उस दे लई जो है वो बीजेपी भी इक्वली जो है जिम्मेवार है। इसका पहली गल तो यह चन्नी जी की स्टेटमेंट जी है ना, बड़ी शर्मसार करने वाली है। जे मैं अज कह दिया कि जेडे कानून जिन्होंने काले कानून कहते हैं, किसानों के कानून आए थे तीन, बई ये कांग्रेस के दबाव च बनाए ने, कांग्रेस ने बनवाए, तो कोई मान लेगा? और इस तरह की साजिश है जी ये कर रहे हैं। जो असं करिए असं मनिया कि असी कानून बनाए ने, असी समझा नहीं सके, असी माफी मांगते हैं, वो असी वापस ले ली आपकी गलती मनन की बजाय। भी असी कहा कि उस वे कि जदों धरती जदों बड़ा दरख्त गिरता तो धरती हिलती, ये भी असी कहा सी। और जे बाद 84 की नसलकुशी तो बाद जेडे इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाते जिन्हों के आरोप लगते थे, और 36 साल मुकदमे नहीं दर्ज किए, किसी एमपी बनाता। गरेवाल जी, चन्नी जी का कहना है कि ऑन रिकॉर्ड है गल जो अडवाणी जी की बुक है माई कंट्री माई लाइफ, उस इस गल का जिक्र है, इस गल का इंडोर्स किया गया। एक मिनट जे वो सरकार केड़ी हुई जेड़ी किसी का दबाव बनती हो, पहली गल तो यह जी आर एस एस के उपर इन्होंने बैन लगाया, उस आर एस एस के दबाव से काम करते हैं। जेड़ी बीजेपी नाल कदे भी इन्हों की बनी नहीं, उस बीजेपी के दबाव से काम करते हैं। और केड़िया गलों लागे ने, साडे पहले प्रधान भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हों की हत्या की गई, सरकारी हत्या थी कश्मीर के लिए जो अंदोलन च गए, की उस बीजेपी का दबाव मानते हैं, ये कि गल्ला करते हैं। ये देखो, ये तो एक लीडर बनने के भी हकदार नहीं है, जे पब्लिक के नेता होंगे ना, उन्हों का कुछ किरदार होता है, किरदार नहीं है। और इन गलों कोई नहीं मनेगा, इन्हों सज्जन कुमार दोबारा टिकट दे के एमपी बनाने लिए असी क्या, साइकिल एमपी बनाने लिए असी क्या, जिहड़ा इन्होंने बाद सम्मानित किए ने, जिन्होंने कतलेआम किया है, बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल का कहना है कि जो गल्ला एमपी चन्नी दे वल्लों कीतियां गईयां ने, उन्हां नूं गल्ला नूं कोई भी नहीं मिलेगा, उन्हां दा आधार कुछ भी नहीं। देखो, मैं गरेवाल जी की गल सुन रहा सी, अगे भी मैं कई डिबेटां नाल चन्नी जी दी मैं गल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, गल पता की है, गल सियाने कहिंदे ने भी जो पिछलियां गल्लां वे उन्होंने भुलाउणा चाहीदा, मेरा भी खुद दा मन्ना, कोई शक नहीं है कि जो 84 दे विच होया या 85 च दिल्ली होया वो बहुत माड़ा सी, कई बारी असीं ये गल कह चुके हैं, कोई शक नहीं। पर देखो हुण गरेवाल जी अज कहिंदे ने भी कि ओपोजिशन की गल मन लैंदे ने, मैं सरकारयोग गरेवाल जी नूं कहना चाहांगा, उदों अज दा माहौल नहीं सी, उदों ओपोजिशन की गल जिहड़ी कांग्रेस बड़े तरीके नाल सुणदी सी। पर एक तुसीं मसां नूं मिसाल देना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाना सी फॉरन के इन्हों यूएन डेलीगेट बना के भेजा गया, इन्हों का उपरेशन हो सके, वो ओपोजिशन के
श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो भेजा उदो ओपोजिशन से सरकार का कोई इस तरह नहीं हूं जो आप मोदी सरकार ने पिछले 15 साल करता ना कि ओपोजिशन नेता बूथ कर देना भी खत्म ही हो जाए इस तरह नहीं सी विपक्ष से पक्ष का एक बड़ा वड्डा रोल हों सरकार दे विच ते देश दे विच पर माफ करना है जी बीजेपी सरकार है इन्हें सारा पाई मटा के रख दी है असं इस खाई को पूरना चाहते हैं। देखो राहुल गांधी जी ने परसों भी कहा भी असी मोदी जी के कोई बैरी नहीं गे असी उन्होंने सानू उन्हों का कोई दुख नहीं गा असी उन्होंने सिर्फ जोड़े विचार ने उन्होंने सहमत नहीं मैं भी उही गल कर रहा मेरा गरीबवाल जी ने कोई वंड विहार थोड़ी है मैं जोड़े विचार ने उन्होंने सहमत नहीं गा। देखो चन्नी जी ने गल कही बड़ी वीड्डी कही माई कंट्री माई लाइफ के बुक आ उसे फोटो लगी है तुम जाके देख लो उन्होंने क्या उन्होंने बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भी फौज भेजो भी उत्थे तुम भेजो दरबार साहब से अटैक करो मैं फिर कहना बहुत मंदभागा गल सी हालांकि इस गल नू बार 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 जिक्र नहीं करना चाहिए ठीक है सिख मैनू भी इस गल का बड़ा दुख हुंदा पर बीजेपी अकाली दल जो इस चीज को ज्यादा उभारते हैं इन्हों पंजाब उदों ही उदों नुकसान हुआ नॉट इवन सिंगल सीट इन दी एमपी दी आई कांग्रेस सरकार तो उस तो बाद दो बार तीन बार बन भी चुकी बीजेपी की तो अज तक सरकार आई नहीं ये तो जदों आए आ अकाली दल के नाल रल मिल के आए हैं अपनी सरकार कभी जिंदगी ता उम्र नहीं बन सकती मैं तुम्हें गरंटी दिना बीजेपी की सरकार ता उम्र नहीं पंजाब च बन सकती हुण दसो 84 के दंगिया करके बीजेपी सानू लोगों को यह बयान दें भड़काने की कोशिश करते की है आपका इन्हों का एजेंडा जो हिंदुत्व का वो गल नहीं करती कंगना रनौत की कहती वो गल नहीं करती इन्हों का मरवाह साढ़े राहुल गांधी जी कहना तेरे दादी वांगू अचर हो जाएगा वो गल नहीं करते एक ईसाई पादरी मारा जाता वो गल नहीं करते नूह की गल नहीं करते जी मणिपुर के हिंसा हो गल नहीं करते जिहड़ियां साडियां रैसल कुटियां उन्हां दी गल नहीं करते गल सिर्फ इन्होंने फिरका प्रस्ती की करनी है एंड है मेरा बहुत माड़ी गल है आपू देश सा बहुत खूबसूरत देश है संविधान सा बहुत खूबसूरत है घुटने टेक दिते फौज भेजी जाए कारवाई करवाई जाए कांग्रेस तो माफी मंगी जा चुकी है बीजेपी कदों माफी मंगेगी इस तरह जी पहली गल तो यह है बीजेपी ने कदे भी नहीं कहा पार्टी उत्थे हमला किया जाए जा हमला जाएगा ठीक है ये जिहड़ियां गल्लां करदे ने ये तो सानू डिफेंसिव करन लई करदे ने ये नहीं पता कि इन्हां दे खिलाफ तो सबूत ने सारे हुण सज्जन कुमार सजा क्यों कट रहा एच के एल भगत जिहड़े आ उन्हां नू क्यों खराब होना पिया इन्हां दे बड़े बड़े लीडरां ते आरोप ने आ हुण जगदीश टाइटल भी जेल चला जाना उहदे ते दो शायद हो गए ने कोर्ट ने करते तां सजा ही होनी बाकी है हुण तां कुछ नहीं है और उस तो बाद बाकी लीडर भी क्यों जा रहे ने बीजेपी का कोई लीडर है उदे च और इन्होंने 36 साल मुकदमे क्यों नहीं दर्ज किए और एक ओ ओ ओ जिहड़े दंगे सी इस गल बारे में टिप्पणी जो साबका सीएम चन्नी दे वालों की गई उन्होंने कहा कि 10 साल तो बीजेपी की सरकार है बस गल्लां कीतियां जांदियां ने उन्हां दे नाम उछाले जांदे ने कारवाई कोई नहीं कीती जांदी एक मिनट सुनो सज्जन कुमार नु साडी सरकार ने जेल भजवाया जां उहदे साथियां नु नहीं भजवाया उमर कैद होई जां नहीं होई चन्नी जी नु पुछो इह झूठ बोलण दा ठेका लिया होया इन्हां ने आ हुण जगदीश टाइटल नु भी असीं आके दोषी पहले तां बरी करते सारे और 36 दा मुकदमे नहीं दर्ज कीते और इस गुनाह दे उपर भी सिर ते पगड़ी बन के कोई पक्ष लवे तां मेनू नहीं समझ आउंदा इह किन्ना वधिया बंदा होऊगा और मैं तां इत्थे लीडर होए ने जिन्हां दा नां लैंदे ही सरदा ते सरकार नाल सिर झुकदा आचार्य कृपलानी हुए और बाल गंगाधर तिलक हुए और इस तरह के लोग जो देवता स्वरूप से सारे अजा कांग्रेस के कहे लीडर बैठे झूठी बोली जाते हैं कल नहीं बोलते है कोई सबूत नहीं है इन्हों को हूं दिल्ली टाइटल से इन्होंने मुकदमा दर्ज किया सज्जन कुमार से इन्होंने किया तो बरी करते सारे किसी के मुकदमे नहीं दर्ज किए आके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं इसलिए गल्लां झूठियां नहीं चल रही और लोगों का जो कतलेआम होया वो तो वो घर परिवार जानते हैं जिन्हां भैणों का भरा चलिया गया जिन्हें उन्होंने शादी करनी सी जिन्हां बच्चों का मां प्यो चले गए हालत की इन्होंने उस वेले उस भेजे भी गल्लां करी जांदे उन्हें बार बार क्यों कुरेते हैं क्यों उन्होंने गल्लां ते आउंदे हैं झूठा नानक है भी सच नानक होगी सच सच की जित होनी है चन्नी जी दस दौ
शुभेंदु अधिकारी जिन्हें खालिस्तानी एक सिख नू खालिस्तानी कहा इन्हों का एक एमपी सी एम एल ए दिल्ली का उन्हें परी सभा च बीएसपी के बंदे नू माड़े शब्द बोले ये पार्टी जी है जात पात की राजनीति करती हिंदू राष्ट्र करी जाती है राहुल गांधी जी ने जो बयान दिता ना उन्होंने ये कहा भी जे इन्हों का हिंदू राष्ट्र इन्हों का एजेंडा कामयाब हो गया तो की जेडे घट कम्यूनिटी के लोग ने वह जी सकनगे की सिख क्योंकि उन्होंने किसी सिख को क्वेश्चन पूछा सी उन्होंने पूछा की तुम कड़ा पा के गुरुद्वारे जा सको की पग बन के जा सको उन्होंने कहने का मतलब यह पर इन्होंने बयान में इन्ना तोड़ के मरोड़ के पेश कर दिता देखो अकाली दल साडी हमेशा धुर विरोधी पार्टी रही है पर उन्होंने भी स्वागत किया बयान का भी नहीं ये जिहड़ा बयान राहुल गांधी ने घट गिणती वास्ते दिता ठीक है और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी किसी नफरत फैलाने वास्ते की थी नफरत की दुकान बंद करने वास्ते की थी न्याय बराबर जिहड़ा हो सके जिहड़ा न्याय बराबर नहीं हो रहा जिहड़ा स्टूडेंट नूं जिहड़ा औरतां नूं जिहड़ा लेबर नूं जिहड़ा किसानां नूं नहीं मिल रहा न्याय मिल रहा किसी इस देश के किसी को न्याय मिल ही नहीं रहा न्याय बराबर मिले वास्ते यात्रा शुरू की थी कि उस चीज तो औखे ने जिथे राहुल गांधी जी जाते हैं कोई बयान देते हैं वो बयान की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट जाते हैं साढ़े मोदी जी साढ़े आदरणीय प्रधानमंत्री ने कितने कितने देश इन्हें देशों घूमते हैं इन्हें बयान देते हैं असं कीजे अपने कांग्रेस ने कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की है असं तो कॉन्ट्रोवर्सी कभी क्रिएट नहीं करते पर बीजेपी के बंदे अखौती लीडर बयान दे देते हैं और मजेदार गल है उस तो पिछले की होंगे पता गरेवाल जी वर्गे बंदे सियाने या होर बंदे कहते नहीं जी ये बीजेपी का जिहड़ा ये बयान ही है फिर तुम इन्हों कढ़ दियो बीजेपी चो कढ़ दियो ना पंजाबी च कहते भी कां मार के एक टंगिया हो बाकी कां आते नहीं कढ़ना भी नहीं करना कंगना रनौत पुठा सीधा बोली भी जाए वो भैन बोली जाए अमरवाह बोली जाए होर बंदे बोली जा तुम उन्होंने कढ़ना भी नहीं रखना भी पार्टी चाहे कहना भी बीजेपी का है पिछे बीजेपी है जी जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत गरेवाल बीजेपी आगू सा जुड़े नरेंद्र संधु कांग्रेस आगू सा जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया हालांकि आज जो तमाम का स्टेटमेंट एमपी चन्नी दे वालों दी गई कितने लैके 84 दंगियां नू लैके ते कितना किते जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होया सी उस पूरी जो घटना वापरी सी बीजेपी नू भी किते ना किते एमपी चन्नी दे वालों इस पूरी घटना दे लई जिम्मेवार ठहराया है नाले इस गल दा जिक्र कीता है कि कांग्रेस दे वालों इस तमाम घटनावां ते कई बार मुआफी मांग ली गई है बीजेपी कदो इस पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार ते जो 84 दे सिख दंगे होए सी उस ते कदो बीजेपी अपनी मुआफी मंगी अगे वधंगते गल करांगे जम्मू कश्मीर दी जम्मू कश्मीर दे बारामूला च 3 आतंकवादी सेना दे जवानां दे वल्लों ढेर कीते गए ने सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा बलां ने 3 दहशतगर्द मार मुकाए ने बारामूला च अजे भी काउंटर लगातार जारी है किश्तवाड़ च मुठभेड़ दे दौरान 2 जवान भी शहीद होए ने किश्तवाड़ एनकाउंटर च 2 जवान गंभीर रूप नाल जख्मी भी होए ने जिन्हां नू एयरलिफ्ट उत्थों करवा लिया गया है हस्पताल तक करवाया गया है किश्तवाड़ च सुरक्षा बलां ने इलाके की घेराबंदी की हुई है कि 2 थावां ते बैक टू बैक जो एनकाउंटर्स ने लगातार जारी ने एक ते किश्तवाड़ पूरा इलाका है ते एक बारामूला इलाका है जिथे कि सेना दे जवानां दे विचाले ते दहशतगर्दां दे विचाले अज मुठभेड़ है लगातार जारी है सुरक्षा बलां ने 3 दहशतगर्द मार मुकाए ने 3 दहशतगर्द ढेर कर दिते गए ने दहशतगर्दी घटनावां देख के जो दहशतगर्द खुद ने घने जंगलां च जाके उत्थे लुक जाने घात लगा के बैठे हुए दहशतगर्दां ने सेना ते एक बार फिर तो अटैक किया जो एनकाउंटर है लगातार जारी है जिस इलाके च दिस एरिया च जो आतंकी लुके हुए ने उस एरिया नू सेना दे जवानां दे वल्लों घेरा पाया गया सर गोल जी पर चला प्लीज जबरदस्त फायरिंग हो रही है ताप पर बारामूला में और आप देख सकते हैं यहां पे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फायरिंग का सिलसिला
लगातार जारी है, ये आप देख सकते हैं। ये है रियल ग्राउंड जीरो और इसी स्पॉट पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आप आवाज सुन सकते हैं, फायरिंग जबरदस्त हो रही है। समझा जा रहा है कि दो मिलिटेंट यहाँ पे एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं और बिल्डिंग बिल्कुल ऑर्चर्ड्स के बीच में है, यानी जो यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं उसके बीच में कोई बिल्डिंग है और ड्रोन के जरिए जो है मिलिटेंटों की मूवमेंट अभी अभी देखी गई है। और ये आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त फायरिंग हो रही है इस वक्त। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये तापर बारामुल्ला में हो रहा है और ये बिल्कुल वो स्पॉट है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आर्मी और एसओजी की टीम लगी हुई है पुलिस की। और यहाँ पे अभी लगातार फिर से आर्मी की मजीद नफरी जो है वहाँ जा रही, यानी रीइंफोर्समेंट बुलाई गई है। और अभी हमने देखा कि पैरा ट्रूपर्स भी यहाँ पे गए हैं। बिल्कुल ये वाला स्पॉट जो है यही वो रियल स्पॉट है जहाँ पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और समझा जा रहा है कि दो मिलिटेंट वहाँ पे किसी बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, जो और बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल सेब के बागात के बीचों बीच है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आवाज़ आप लगातार सुन सकते हैं, ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। हालांकि ये जो सेना के यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप पीछे हटिए क्योंकि वहाँ पे हो सकता है खतरा हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक पर ये एनकाउंटर स्पॉट है और वहाँ से आप बिल्कुल मूवमेंट देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी हमें कह रहे हैं यहाँ से हटिए, और ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तमाम तस्वीर देखिया जा सकती है, आ वही इलाका है जिथे की सेना दे वलों घेराबंदी की गई है, जो ऑपरेशन है लगातार जारी है ता जो इन्हां दहशत गर्दियां तक पहुंच की जा सके, इन्हां जिंदा फड़िया जा सके। बारामूला च अजे भी एनकाउंटर लगातार जारी है। किश्तवाड़ च मुठभेड़ दौरान दो जवान जरूर शहीद हुए ने। देखा जा सकता है कि किस तरीके दे नाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेना दे जवान ने वो किस तरीके दे नाल इलाके दी पूरी घेराबंदी उन्हां दे वलों की गई है। हालांकि इस पूरा एनकाउंटर के दौरान दो जवान सेना के शहीद भी हो गए हैं। दहशतगर्दी घटनावां अंजाम इन्हां दे वल्लों दित्ता जांदा है। दो दिन पहला भी जो है अटैक किया गया सी, जो कि इनफिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई सी। तमाम तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, आ सेना के जवान शहीद होए ने। इन्हां दी तस्वीर अरविंद सिंह शहीद होए ने, विपिन कुमार शहीद नायब सूबेदार। तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो जो जवानों नूं शहादत प्राप्त हुई है, अरविंद सिंह आ जवान ने जिन्होंने शहादत प्राप्त हुई है, दूजे ने विपिन कुमार शहीद नायब सूबेदार। हालांकि दो असी जवानों का जिक्र करिए तो दो जवान गंभीर रूप से जख्मी।